ई सामग्री निर्माण प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोजेब्रा टूल्स की सहायता से कैसे 3D इमेज को बनाया जा सकता है उसको यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम 3D शेप बना सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये ग्राफिक व्यू है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का, और इस तरफ ये आपका एलजेब्रा व्यू है। तो हमें जो शेप हम यहाँ बनाएंगे उसकी हम एक रियल इमेज पहले डाउनलोड कर लेते हैं और उसको देखकर हम यहाँ पर 3D इमेज बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इमेज को अपलोड करते हैं। तो जैसे हम पहली इमेज यहाँ से ले लेते हैं, हम कौन सी इमेज यहाँ पे बनाना चाहते हैं जो लगे, तो कोन और सिलेंडर वाली इमेज हम यहाँ ले लेते हैं और ये आ गई हमारे पास, और इसको हम ओके कर देंगे तो इमेज ये आ गई है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ये, और इसको हम मूव करके ऊपर साइड में लगा देते हैं यहाँ पे। एक ये इमेज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 3D व्यू में। इससे मिलती जुलती एक और इमेज है, उसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो एक इमेज हमारे पास एक और है, तो आपने देखा कि हमारे पास दो इमेज हो गई हैं। तो ये दो इमेज हैं, ये इमेज रियल इमेज है और इस इमेज को हमने 3D व्यू में बनाया है, क्योंकि हमारे जो जीवन में लाइफ में 3D इमेज का बहुत अधिक महत्व है, जिसको हम देखते हैं 3D टाइप का। और 3D में कैसे हम इमेज को जियोजेब्रा में बना सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो अब हम जो ग्राफिक व्यू है इसको हम 3D व्यू में चेंज करेंगे। तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो 3 डॉट है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ग्राफिक्स 2D और 3D ग्राफिक्स। तो 3D ग्राफिक्स को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप 3D ग्राफिक्स को क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि ये स्क्रीन हमारी इधर को खिसक गई है, ये देखिए स्क्रीन, ग्राफिक स्क्रीन, और ये 3D स्क्रीन है। तो ग्राफिक स्क्रीन को हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे और 3D स्क्रीन को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें 3D स्क्रीन में काम करना है और ग्राफिक जो हमें ग्राफ बनाना है, जो हमें शेप बनानी है, हम उसको यहाँ पे शो करके रखेंगे ताकि हम उसको देखकर सेम उसी प्रकार की 3D शेप यहाँ पे बना सकें। तो आपने देखा ये जो इसमें डॉट्स आ रहे हैं इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने डॉट्स हटा दिए, पॉइंट्स हटा दिए। तो आपने देखा ये ग्रीन कलर की जो लाइन है इसको वाई एक्सिस, और जो रेड कलर की होती है ये एक्स एक्सिस, और जो ब्लू कलर की होती है इसे जेड एक्सिस बोलते हैं। और ये आपका 3D ग्राफिक व्यू है। तो यहाँ पर हम शेप बनाएंगे जिसमें ऊपर कोन दिया हुआ है और नीचे सिलेंडर दिया हुआ है, और ये रियल इमेज है। इस इमेज को हमने ग्राफिक में इस प्रकार बनाया हुआ है, तो इसे देख के हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ऑप्शन ले लेंगे यहाँ से, जो हमारा ऑप्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि पैरामीड, प्रिज्म, बहुत सारे शेप दिए हुए हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत है, पहले सिलेंडर की ज़रूरत है। हम पहले नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे सिलेंडर को, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें पॉइंट सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ से कहाँ बनाएंगे। प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो एक डॉट हम यहाँ लगाएंगे और उसके बाद हम एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे 4 पे। रेडियस हमें कितना देना है, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो हम इसको रेडियस 3 सेंटीमीटर दे देते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका ये एक सिलेंडर यहाँ बन जाएगा। आप देख रहे हैं इसको, और इसको व्यू करके हम देख सकते हैं, मूव करके ये हमारा सिलेंडर बन गया है, इसको हम कहीं से भी देख सकते हैं। अब हमें ऊपर कोन बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम दिख रहा है, लाइन छोटी दिख रही, तो हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो अभी हमें
काफी बड़ा दिखाई देगा। तो हम यहां से लेकर 4 से लेकर 8 तक कोन बना लेंगे ऊपर का। तो इसके लिए हमें फिर इसी टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें कोन को सिलेक्ट करना है। तो कोन को जैसे हमने सिलेक्ट करा, अब हम यहाँ से यहाँ तक कोन बनाएंगे। तो हमने ये पॉइंट लिया और दूसरा हमने 8 को सिलेक्ट किया। अब ये पूछेगा रेडियस, हमें रेडियस वही देना है जो हमने सिलेंडर में दिया था, क्योंकि कोन का जो आपका ये एरिया ये भी वही आना चाहिए सेम जो हमारा सिलेंडर का है। तो हमने उसको 3 दिया था, तो हम इसे भी 3 देंगे। तो ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ऊपर का हमारा कोन ये बन गया है। तो इसको हम मिनिमाइज करके और मैक्सिमम करके भी देख सकते हैं, और इसको हम मूव करके देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है। अब इसका जो कलर है, कलर आप चाहते हैं कि इसी तरह लगभग मुझे दिखाई दे, तो इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके यहाँ पर कलर ऑप्शन है, तो आपने देखा कि ब्लू कलर है इसका, तो हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं ब्लू कलर। और इसकी ओपोसिटी अगर हमें डार्क करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम बाहर आके देखेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए तो ये इस प्रकार का ये कलर इसमें आ गया। और ये हल्का ब्लैक है और हमने रेड ले रखा, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे फिर कलर, तो हम यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं। ब्लैक हम ले लेते हैं, ये वाला कलर, और ओपोसिटी थोड़ा इसकी बढ़ा लेते हैं। तो ओपोसिटी हमने बढ़ा ली और हम बाहर आ जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। तो आपने देखा कि लगभग इससे मिलता जुलता हमने इसको ये बना लिया है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए और कलर ऑप्शन में, अगर आपको चाहिए नीचे वाला, मेरे को ऑरेंज कलर का चाहिए, तो ऑरेंज ले लीजिए। और ऑपोसिटी यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। तो ये था इसका 3D व्यू जो आप देख रहे हैं कि कितना शानदार हमने कोन और सिलेंडर को मिक्स करके बनाया। अब हम इसको रोटेट करके भी यहाँ से देख सकते हैं, रोटेशन 3D ग्राफिक व्यू में। जैसे हम क्लिक करेंगे और हल्का सा हम यू मूव करेंगे इसको, तो ये अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसको अगर हमें इस तरह मूव कराना है तो यहाँ से फिर हम जाके दोबारा इसको सिलेक्ट करके यूं करेंगे तो ये इधर को घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको व्यू इन फ्रंट ऑफ के आधार पर हम इसको देखना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करिए, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह दिखाई देगा। ये इसका फ्रंट है ऊपर का, और हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और ये इसका बैक है नीचे का, ये फ्रंट है। तो आज आपने सीखा कि हम किस प्रकार 3D इमेज को जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में आसानी से बना सकते हैं।